आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और सदन में उपस्थित संविधान के प्रति समर्पित सभी भाइयों और बहनों, आज का दिवस बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहां पहुंचाया है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी की जंग में जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस, जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आदरणीय महानुभाव, कभी हम सोचे कि आज अगर हमें संविधान निर्माण करने की नौबत होती तो क्या होता? आजादी के आंदोलन की छाया, देशभक्ति का ज्वाला, भारत विभाजन की विभीषिका, इन सब के बावजूद भी देश हित सुप्रीम हरेक के हृदय में यही एक मंत्र था। विविधताओं से भरा हुआ देश, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक पंथ, अनेक राजे रजवाड़े, इन सब के बावजूद भी संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक बंधन में बांध करके आगे बढ़ाने की योजना बनाना, आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते
क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। ये उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने, उनके भी अपने विचार होंगे, उनके विचारों की भी धारा होगी, उस धारा में धार भी होगी, लेकिन फिर भी राष्ट्रहित सुप्रीम होने के नाते सबने मिल बैठ करके एक संविधान दिया। साथियों, हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है, हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और इसलिए हमारे लिए लेटर एंड स्पिरिट में संविधान के प्रति समर्पण, और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। और जब ये करते हैं तो संविधान की भावनाओं को कहां चोट पहुंच रही है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के प्रकाश में सही है कि गलत है, हमारा रास्ता सही है कि गलत है। हर वर्ष संविधान दिवस बनाकर के हमने अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी प्रजासत्ताक पर्व की शुरुआत होने के बाद हमें 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में देश में मनाने की परंपरा बनानी चाहिए थी, ताकि उसके कारण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संविधान बना कैसे, कौन लोग थे इसको बनाते थे, किस परिस्थितियों में बना, क्यों बना, हमें संविधान कहां ले जाता है, कैसे ले जाता है, किसके लिए ले जाता है, इन सारी बातों की हर वर्ष अगर चर्चा होती है तो संविधान जिसको दुनिया ने एक जीवंत इकाई के रूप में माना है, एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में माना है, विविधता भरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी अवसर के रूप में काम आता। लेकिन कुछ लोग इसे चूक गए। लेकिन जब बाबा साहब अंबेडकर के 125वीं जयंती थी, हम सबको लगा कि इससे बड़ा पवित्र अवसर क्या हो सकता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को जो बहुत बड़ा नजराना दिया है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए स्मृति ग्रंथ के रूप में याद करते रहें। और इसी में से, और मुझे याद है जब सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में बाबा साहब अंबेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय, तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी।
बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे ये देश अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आज अब भी बड़ा दिल रख करके खुले मन से बाबा साहब अम्बेडकर जैसे मनीषियों ने देश को जो दिया है इसका पुण्य स्मरण करने की तैयारी ना होना ये भी एक चिंता का विषय है। साथियों, भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है, राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है। और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए, जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। और आज संविधान के दिवस पर संविधान में विश्वास करने वाले, संविधान को समझने वाले, संविधान को समर्पित सभी देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि देश में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जापान में एक प्रयोग हुआ था, जापान में देखा गया कि कुछ ही पॉलिटिकल फैमिली ही व्यवस्था में चल रहे हैं, तो किसी ने बीड़ा उठाया था कि वो नागरिकों को तैयार करेंगे और पॉलिटिकल फैमिली के बाहर के लोग निर्णय प्रक्रिया में कैसे आए, और बड़ी सफलतापूर्वक 30-40 साल लगे लेकिन करना पड़ा। लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए हमें भी हमारे देश में ऐसी चीजों की ओर जाने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता है, देशवासियों को जगाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमारे यहां भ्रष्टाचार, क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है, लेकिन चिंता तब होती है
कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमामंडन चलता रहे, भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके सिद्ध हुई हकीकतों के बावजूद भी जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर लोक लाज को तोड़ करके उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है, तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो मिलता रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। दो चार साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज व्यवस्था खड़ी करनी है, क्या समाज के अंदर हाँ भ्रष्टाचार के कारण कोई अगर गुना सिद्ध हो चुका है तो उसको सुधरने के लिए मौका दिया जाए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा देने की जो स्पर्धा चल पड़ी है, ये मैं समझता हूं अपने आप में नए लोगों को लूटने के रास्तों पर जाने के लिए मजबूर करती है, और इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत है। यह आजादी के 75 साल है, यह अमृत काल है। हमने अब तक आजादी के 75 साल दरमियान देश जिस स्थिति से गुजरा था, अंग्रेज भारत के नागरिकों के अधिकारों को कुचलने पर लगे हुए थे और उसके कारण हिंदुस्तान के नागरिकों को उसके अधिकार मिले, इसके लिए लड़ना बहुत स्वाभाविक था और जरूरी भी था। महात्मा गांधी समेत हर कोई भारत के नागरिकों को उनके अधिकार मिले इसलिए वो लड़ते रहे, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ये भी सही है कि महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में भी अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते भी देश को कर्तव्य के लिए तैयार करने के लिए लगातार कोशिश की थी। उन्होंने भारत के नागरिकों में उस बीज को बोने की लगातार कोशिश की थी कि सफाई करो, प्रौढ़ शिक्षा करो, नारी सम्मान करो, नारी गौरव करो, नारी को एम्पावर करो, खादी पहनो, स्वदेशी का विचार, आत्मनिर्भर भारत का विचार, कर्तव्यों की तरफ महात्मा गांधी लगातार देश को तैयार करते रहे। लेकिन आजादी के बाद महात्मा गांधी ने जो कर्तव्य के बीज बोए थे वो आजादी के बाद वटवृक्ष बन जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से शासन व्यवस्था ऐसी बनी कि उसने अधिकार 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 के ही बातें करके लोगों को एक ऐसी अवस्था में रखा कि हम हैं तो आपके अधिकार पूरे होंगे। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता तो अधिकारों की अपने आप रक्षा होती। कर्तव्य से दायित्व का बोध होता है, कर्तव्य से समाज के प्रति जिम्मेवारी का बोध होता है, अधिकार से कभी कभी एक याचक वृत्ति पैदा होती है कि मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए, यानी समाज को कुंठित रखने की कोशिश होती है। कर्तव्य के भाव से सामान्य मानवीय के जीवन में एक भाव होता है कि ये मेरा दायित्व है, मुझे इसको निभाना है, मुझे करना है, और जब मैं कर्तव्य का पालन करता हूं तो अपने आप किसी के अधिकार की रक्षा हो जाती है, किसी के अधिकार का सम्मान हो जाता है, किसी के अधिकार का गौरव हो जाता है, और उसके कारण कर्तव्य भी बनते हैं और अधिकार भी चलते हैं और स्वस्थ समाज की रचना होती है। आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम कर्तव्यों के माध्यम से अधिकारों की रक्षा करने के रास्ते पर चल पड़े। कर्तव्य का वो पथ है जिसमें अधिकार की गारंटी है, कर्तव्य का वो पथ है जो अधिकार सम्मान के साथ दूसरे को सुपुर्द करता है, उसके हक को दे देता है। और इसलिए आज जब हम संविधान के दिवस को मना रहे हैं तब हमारे भीतर भी यही भाव निरंतर जगता रहे कि हम कर्तव्य पथ पर चलते रहें, कर्तव्य को
जितनी अधिक मात्रा में निष्ठा और तपस्या के साथ हम मनाएंगे, हर किसी के अधिकारों की रक्षा होगी। और आजादी के दीवानों ने जिन सपनों को लेकर के भारत को बनाया था, उन सपनों को पूरा करने का सौभाग्य आज हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने मिलकर के उन सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं फिर एक बार स्पीकर महोदय का इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इस बात कार्यक्रम की रचना की। ये कार्यक्रम किसी सरकार का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है। स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आम्बेडकर की गरिमा होती है, संविधान की अपनी एक गरिमा होती है। हम सब उन महान पुरुषों को प्रार्थना करें कि वो हमें शिक्षा दें ताकि हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखें, बाबा साहब आम्बेडकर का गौरव बनाए रखें और संविधान का गौरव बनाए रखें। इसी की अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।